हाय दोस्तों, आई एम पृथ्वीराज चौहान एंड दिस इज माय फर्स्ट सेकंड वीडियो ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट्स दिए थे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास पर आधारित थे। तो उसमें मैंने कई पॉइंट्स को रखा था, जिसमें से कुछ पॉइंट रह गए थे और मैं उन पॉइंट्स को आज डिस्कस करूंगा। और इसके पहले वाले वीडियो की यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसका लिंक आपको दे देंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास एक वह टॉपिक है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। यदि जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व विकास आ जाता है वो जिंदगी में ही नहीं वरन हर स्टेट पे, हर जगह पे वो आगे बढ़ता है। यहां हम सातवें पॉइंट की बात करेंगे। छह पॉइंट जहां मिररिंग तक हमारा हो गया था, सातवें पॉइंट पर अगर हम बात करें तो हमने पॉइंट लिया है व्यक्ति व्यक्ति के साथ मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखेगा। कोई भी व्यक्ति हो, जब व्यक्ति के साथ मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा ना, तो व्यक्ति का मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब हो गया कि उस व्यक्ति की तरफ दूसरा व्यक्ति अट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स खींच जाएगा। जैसे सेम टू सेम मैग्नेट खींचता है एक दूसरे की तरफ। और यदि व्यक्ति व्यक्ति के साथ खींचता है ना, तो इसके साथ क्या होगा, इनहेंस पर्सनालिटी। क्यों खींचेगा वो, जब तक कि पर्सनालिटी इनहेंस नहीं होगी। व्हाई वी अट्रैक्ट टूवर्ड्स फ्लावर, हम फूलों की तरफ क्यों खींचते हैं, क्यों, क्योंकि फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, इनहेंस्ड क्वालिटी वाले होते हैं। सो यदि किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्शन जमाना है तो फर्स्ट यू इनहेंस्ड योर क्वालिटी एंड इनहेंस्ड योर फिगर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने पर्सनालिटी को इनहेंस करते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरफ क्या करता है, खींच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एबिलिटी को जाने। कोई भी व्यक्ति अपने सभी एबिलिटी को यदि ध्यान में रख ले, एवरी पर्सन हैव अ यूनिक माइंड राइट, सभी व्यक्ति के पास एक अद्वितीय दिमाग होता है। क्यों, अगर अद्वितीय दिमाग नहीं होता तो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की थॉट से डिफर होता ही नहीं, और यदि डिफर नहीं होता तो दोनों के थॉट्स मैच करते। हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफर है, भिन्न है। एवरी पर्सन हैव यूनिक माइंड, और यदि एवरी पर्सन हैव यूनिक माइंड तो एबिलिटी तो सब में है। बात क्लियर, एबिलिटी तो सब में है, योग्यता सब में है, केवल बात यह होती है कि अपनी एबिलिटी को पहचानने में देर कर देता है कोई व्यक्ति, कोई पहचान देता है। आगे वही बढ़ता है जो पहचान लेता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है जो देर कर देता है, लेकिन एबिलिटी सब में है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, क्या एबिलिटी केवल सर्टिफिकेशंस है, क्या एबिलिटी केवल सर्टिफिकेट्स है, जो क्वालिफिकेशन ये एबिलिटी है, नहीं। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। योग्यता केवल ये नहीं सिखाती है कि आप 10 पास हैं, 12 पास हैं, बीएससी किए हैं, एमएड किए हैं, पीएचडी हैं। दिस इज नॉट ओनली द एबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेशन। एबिलिटी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर का हर पावर, हर सोच, हर थिंकिंग, हर गुड सब एबिलिटी के अंतर्गत आता है। और यदि व्यक्ति अपने हैबिट्स को, अपने पैशन को भी समझ लेता है तो वो भी एक एबिलिटी होती है। सचिन तेंदुलकर क्या थे, वो 10 फेल थे, लेकिन उन्होंने क्या दिखा, अपनी एबिलिटी, अपने पैशन को अपने नजरिए से देखा, तब वो एक महान क्रिकेटर, क्रिकेट की जगत के भगवान कहे जाने लगे। मतलब एवरी पर्सन हैव यूनिक माइंड यार, तो यूज करो ना अपना यूनिक माइंड। तो अपनी वीकनेस पर काम करना चाहिए। वीकनेस का मतलब होता है कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उन सारे बच्चों में से हमने देखा कि यदि राम का मैथ बहुत तेज है तो श्याम का बायोलॉजी तेज है, लेकिन श्याम की बायोलॉजी नहीं तेज है, सॉरी राम की बायोलॉजी नहीं तेज है, श्याम की बायोलॉजी तेज है। राम का मैथ तेज है तो राम का बायोलॉजी नहीं तेज है। कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलता है जिसका मैथ और बायोलॉजी दोनों तेज है, तो इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों में कैसे ये गुण आता है, क्यों,
क्योंकि दे वर्क ऑन योर वीकनेस। ऐसे व्यक्ति, राम जैसे व्यक्ति या श्याम जैसे व्यक्ति केवल एक एक सब्जेक्ट पे ही आगे जा रहे हैं, लेकिन वहीं तीसरा व्यक्ति आता है जो बायोलॉजी और मैं दोनों में तेज होता है। वो क्यों तेज होता है? क्योंकि वो अपने वीकनेस पर काम करता है, जबकि राम और श्याम क्या करते हैं, वे केवल अपनी एबिलिटी को ही आगे बढ़ा के ले जाते हैं। दे डू नॉट वर्क ऑन देयर वीकनेस, अपने वीकनेस पर काम ही नहीं करते हैं। यदि हर व्यक्ति अपने वीकनेस पर काम करने लग जाए दोस्तों, तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहीं औरों से आगे बढ़ जाए, उसकी क्वालिटीज कहीं आगे हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एम ऑफ द लाइफ, जिंदगी का एक एम होना चाहिए। जिंदगी का क्या होना चाहिए? एक एम होना चाहिए, और जो क्लियरिटी होना चाहिए, जिसमें क्लियरिटी क्लीन होना चाहिए कि हाँ हमें लाइफ में यही करना है। जिंदगी क्या है? जिंदगी एक प्रोसेस है जो केवल हम लोग पूर्ण करने आते हैं, लेकिन जिंदगी में करना क्या है ये उसका एम है। प्रोसेस क्या है? जो हम पूर्ण करते हैं। जिंदगी को पूर्ण करने का अर्थ होता है कि एक शिशु होता है जो जन्म लेता है, और जन्म लेने के पश्चात थोड़ा और ग्रो करके यौवनावस्था को प्राप्त करता है। यौवनावस्था में उसकी मैरिज हो जाती है दोस्तों, उसकी मैरिज हो जाती है, और मैरिज होने के पश्चात क्या होता है, उसके भी उसके ही समान संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। तत्पश्चात क्या होता है, उसकी संतान फिर आगे बढ़ जाती है, और वो क्या करता है, वृद्धावस्था में चला जाता है। और जैसे ही वृद्धावस्था को प्राप्त करता है, तो वृद्धावस्था में उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज द लाइफ, बट नॉट दिस इज द एम ऑफ द लाइफ, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द लाइफ। ये केवल लाइफ का एक प्रोसेस है जो हम पूर्ण करने आते हैं। सवाल आपका है कि आप प्रोसेस पूर्ण करने आते हैं जिंदगी का, या आपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? अगर हम अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो वो होता है हमारे जिंदगी का एम, और यदि हम जिंदगी के प्रोसेस को पूर्ण करना चाहते हैं तो वो होता है वृद्धावस्था के बाद डेथ। हाँ, डेथ तो सबकी होनी है, लेकिन कुछ करके जाते हैं तो कुछ प्रोसेस ही पूर्ण करके जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव नजरिया। दो ही नजरिए होते हैं। नजरिया का मतलब क्या हो गया, हम जिस नजर से दूसरों को देखें और दूसरा जो हमें अपनी नजरों में देखे। तो हम कोई भी काम जब करते हैं तो दो नजरिए से देखे जाते हैं, या तो पॉजिटिव से या तो निगेटिव से। व्यक्ति क्या करता है, किसी दूसरे पर्सन को केवल निगेटिव नजरिए से देखता है। एवरी पर्सन सर्च ओनली निगेटिव अनदर पर्सन, एवरी पर्सन सर्च ओनली निगेटिविटी इन अनदर पर्सन, बट यू हैव टू सर्च पॉजिटिविटी इन ऑल पर्सन, देन यू विल बी सक्सीड। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति में क्या करेंगे, पॉजिटिव नजरिए को देखेंगे, तो उसकी पॉजिटिव नजरिए आपकी पॉजिटिविटी के साथ मिक्स हो जाएंगे, और जब उसका पॉजिटिविटी प्लस आपका पॉजिटिविटी, तो वो आपके पॉजिटिविटी मिक्स होने की वजह से आप लाइफ में और भी बेहतर कर पाएंगे, जितना भी बेहतर आप पहले हो उससे कहीं दुगना। सोचो इस संसार में कितने व्यक्ति हैं और कितने पॉजिटिव माइंड वाले हैं। अगर हम सबके पॉजिटिव माइंड को देखें और अपने पॉजिटिव माइंड के साथ ऐड कर दे जाए, तो हमारा पॉजिटिव माइंड कितना बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यू कैन कमेंट इट। दूसरा बात आता है, उस पर फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। जिंदगी में हमेशा फोकस वही होना चाहिए जहां पर आपका कंट्रोल है। कभी भी वहां फोकस मत करो जहां पर आपका कंट्रोल नहीं। जैसे यदि गर्मी बहुत तेजी से पड़ रही है, तो क्या आप गर्मी को कम कर सकते हो? नहीं कर सकते। गर्मी को कम नहीं कर सकते हो, लेकिन उसके साधन ढूंढ सकते हो। आप एसी चला सकते हो, पंखे चला सकते हो, मतलब गर्मी को डायरेक्टली कम नहीं कर सकते हो। तो कंट्रोल वहां रखो जहां पे आप कंट्रोल कर सको। कंट्रोल वहां कभी मत रखना जहां पे कंट्रोल कर नहीं सकते हो। जिंदगी में वही फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है। जिंदगी में वहां फोकस कभी मत करना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगला पॉइंट आता है कि लोगों में पॉजिटिव क्या है ये ढूंढो। लोगों में पॉजिटिव क्या है ये ढूंढो, निगेटिविटी तो सभी ढूंढते हैं। हमने देखा है कि यदि एक चित्रकार चित्रकारी करता है, तो सबसे पहले लोग वहीं पे नजरें टिका देते हैं जहां पे उसकी वीकनेस होती है।
कभी वहां पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि जहां पे वो कुछ बेटर किया हो इस फिगर में, ड्राइंग में। तो लोगों में क्या ढूंढे, पॉजिटिविटी को ढूंढे, नेगेटिविटी तो सभी ढूंढते हैं। तो आपका काम क्या होगा, पॉजिटिविटी ढूंढना, लोगों में अच्छा क्या है ये ढूंढे। और यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो व्यक्ति अच्छे इन्वायरमेंट के साथ अच्छी पॉजिटिविटी रखता है, अच्छे इन्वायरमेंट में रखता है, तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आप अगर निगेटिव भी रहेंगे तो पॉजिटिव बनते चले जाएंगे। पॉजिटिव हमें हमेशा बनना अच्छा क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव माइंड हर काम को सक्सेस की तरफ ले जाता है, निगेटिव माइंड क्या करता है हमें नीचा करता जाता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छी सोच रखें। नेक्स्ट पॉइंट में आता है ओपिनियन। जैसे यू मस्ट हैव योर ओपिनियन इन एनी ग्रुप ऑफ द पीपल, यू मस्ट हैव योर ओपिनियन एनी ग्रुप ऑफ द पीपल। दैट मीन्स इफ यू सिटिंग इन ग्रुप्स ऑफ द पीपल, दैट मीन्स मेनी पीपल्स आर देयर वेयर यू सिट एंड यू टॉक सम पॉइंट्स, वे आपस में दे टॉक ईच अदर सम पॉइंट्स, कुछ बातों पर बात करते हैं। तो क्या आपके पास ओपिनियन नहीं है? है, सबके पास एक ओपिनियन होना चाहिए उस टॉपिक पर जिस टॉपिक पर बात हो रही होती है। लेकिन कोई व्यक्ति बातें करता है, अपनी ओपिनियन रखता है, अपनी राय रखता है, तो कोई व्यक्ति अपनी राय ना रख के चुप बैठा रहता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमें कभी नहीं सिखाती है कि आप कभी भी ग्रुप डिस्कशन करो या ग्रुप ऑफ द पीपल में रहो तो अपनी ओपिनियन मत रखो, ऑलवेज बी योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को रखो, अपने ओपिनियन को रखो, और अपने पास हमेशा एक आइडिया अपना विचार होना चाहिए जिसको हम रख सकें, ताकि सामने वाला जो पीपल है ये समझे कि हाँ इस व्यक्ति को इस सब्जेक्ट के बारे में, इस कमेंट के बारे में, इस थॉट के बारे में, इस पॉइंट के बारे में नॉलेज है। अदरवाइज they can feel you that you have not knowledge about that kind of the topics। ये समझेंगे कि आपको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहीं पे क्या दिखोगे, नीचा दिखोगे सबसे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये कोई हिस्सा ही नहीं है कि आप नीचे दिखो किसी से, हमेशा आप एग्रेसिव रहोगे, हमेशा आप अपग्रेडेड रहोगे, हमेशा अपग्रेडेड रहना है हमें। पॉजिटिविटी हमें यही सिखाती है, हमेशा डेवलपमेंट यही सिखाता है, इसका नाम ही है डेवलपमेंट। अपने आप को हमेशा विकसित रखो, हमेशा अग्रेसिव रखो। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है मीट न्यू पीपल एंड सोशलाइज, हमेशा नए व्यक्तियों से मिलो। यहां लोगों की अपार भीड़ है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की कनेक्टिविटी नहीं दिख पाते, कितने लोग के पास फ्रेंड्स भी नहीं होते, कितने लोग के पास हजारों फ्रेंड होते हैं, उनके पास मौके ही नहीं मिलते हैं। ऑलवेज दे टॉक अबाउट देयर फ्रेंड्स, बट यू डोंट टॉक अबाउट योर फ्रेंड, यू ओनली टॉक अबाउट योर सक्सेस, अबाउट योर गोल, अबाउट योर एम ऑफ द लाइफ। यहाँ पे बात यह है कि सोशलाइज का मतलब ये होता है कि लोगों से कनेक्ट रहो, लोगों से जुड़े रहो। यदि आप लोगों से जुड़े रहोगे तो लोगों के विचारों को समझोगे, लोगों को हेल्प करोगे, यदि आप लोगों से जुड़े रहोगे तो उसका आपको ही लाभ होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही सिखाती है कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो लोगों के साथ आपको जुड़े रहना है। जितना आप लोगों से जुड़े रहेंगे उतना आप सोशलाइज होंगे, आपको उतना नाम होगा, जितना नाम होगा उतना आपको टर्निंग होगी, उतना टर्नओवर के रूप में आपको अर्निंग, लर्निंग सब कुछ होगा। जैसे यहां पर अगर कोई भी व्यक्ति है, यदि वो किसी 10 व्यक्तियों से कनेक्टेड है, कनेक्टेड होने का मतलब व्यक्ति उसी से कनेक्ट रहता है जिसके अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं, जिसके अंदर क्वालिटीज नहीं होती है उससे कोई कनेक्ट होता ही नहीं। क्वालिटीज अगर है किसी व्यक्ति में और क्वालिटी कनेक्ट करता है किसी दूसरी क्वालिटी से, क्वालिटी कनेक्ट टू अंदर क्वालिटीज, देन पर्सन विल बी कनेक्टेड टू अंदर काइंड ऑफ पर्सन विच हैव द मोर काइंड ऑफ द क्वालिटीज इन दियर माइंड्स। तो सभी व्यक्ति कनेक्टेड होंगे अगर, तो होगा क्या, एक अच्छा समाज बनेगा, एक अच्छा सोशल बनेगा, ग्रुप ऑफ द डिस्कशन होगा, आज ग्रुप ऑफ द वर्क होगा, एक अच्छी कंपनी के साथ हम वर्क करेंगे, हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे।
तो यहाँ बात यह होती है हमेशा सब्सक्राइब रहिए, लोगों के साथ कनेक्टेड रहिए। दिस इज द ऑल ओवर द वीडियो सॉल्यूशन एंड द थर्ड वीडियो आई कैन प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट टर्म। थैंक यू एंड गुड बाय। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बैक स्माइल। धन्यवाद दोस्तों।